नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं एक बार फिर से एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, इस रोड से जो उधमपुर में रहते हैं, या मतलब ज़रूरी नहीं उधमपुर में रहते हो लेकिन जो उधमपुर में रहते हैं वो तो वाकिफ़ होंगे इस रोड से। ये जो रोड है दोस्तों, ये जाता है काफ़ी जगहों में। अगर आपने पठानकोट जाना है हिमाचल की ओर तो ये रोड जाएगा। ये रोड जाता है मनवाल की ओर, ये रोड जाता है सांबा की ओर, ये रोड जाता है अपना बसोली की ओर। ये उधमपुर यहाँ से मेरे ख्याल में हार्डली कोई 20 किलोमीटर होगा और ये मनवाल रोड है। और इस रोड पे जाते हो दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा यहाँ पर एक टेम्पल आता है, तो श्री काली माता मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है और पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है काली नाग, और यहाँ पर लिखा हुआ प्राचीन गुफा। पहले मैंने सोचा कि नॉर्मल टेम्पल होगा, शायद यहाँ पर इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन जब यहाँ पर लिखा है प्राचीन गुफा तो प्राचीन को पढ़कर मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ का ब्लॉग बनाना चाहिए। हालांकि कई दफ़ा मैं यहाँ से गुजरा हुआ हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ बोर्ड सा लगा हुआ है, इसके साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर ये दुकान होगी, यहाँ से आप कुछ ना कुछ ख़रीद सकते हो, और यहाँ से इस टेम्पल की एंट्री होगी दोस्तों। तो यहाँ से लिखा हुआ है प्राचीन गुफा का जो रास्ता है वो 100 मीटर्स का है। चलो मित्रों, तो मित्रों चलो करते हैं आज की इस प्राचीन मंदिर की सैर। और इस मंदिर के बाद दोस्तों मैं आपको एक जगह और दिखाना चाहता हूँ। ये जो पुल है, ये ब्रिज है, ये रेलवे यानी कि रेल ब्रिज है, और इसके बिल्कुल जिधर ये ब्रिज ख़त्म होता है ना, उधर काफ़ी छोटी सी एक बैठने की जगह है, जिधर से अगर आप ट्रेन का व्यू लेना चाहते हो, सेल्फी लेना चाहते हो तो, या कोई वीडियो रील्स बनाना चाहते हो तो वहाँ से आपको ये ट्रेन का व्यू आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी तो इस टेम्पल का दौरा करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से गाड़ी चलाते हुए ऊपर जाएंगे और वहाँ जाकर फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। फिलहाल दोस्तों चलते हैं यहाँ से ऊपर सीढ़ियों की ओर। ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, सिर्फ 100 मीटर्स का रास्ता है यहाँ से, और फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आगे चल कर यहाँ पर लिखा है जय माँ काली। हालाँकि मैं भी यहाँ पर पहली दफ़ा जा रहा हूँ। कौन कौन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे इस व्लॉग में, इस प्रकार का ये रास्ता होगा और रास्ते में आप देख सकते हो पेड़ वगैरह यहाँ पर है, यानी कि अगर आप कभी गर्मी के मौसम में आओगे तो आपको अच्छी सी छांव मिल जाएगी यहाँ पर। हालांकि अभी तो जो है वो गर्मी का मौसम नहीं है, अभी तो फ़िलहाल मतलब सर्दी शुरू होने वाली है, नवंबर का महीना है, नवंबर का फर्स्ट वीक। यहाँ से ये सीधी आपको मिलेगी जगह, और ये देखिए आप, इसके साथ ही नदी है, ये उधमपुर का दुद्धर नाला है। तो मित्रों एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर करें, खासकर मेरे उधमपुर वाले दोस्त भी, और नॉट ओनली उधमपुर वाले बट जो भी जिधर से भी आप देख रहे हो। तो बाहर वालों के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है, और ये सांबा रोड में है, सांबा मनवाल बसोली और बड़ी मशहूर जो लेक है मानसर लेक, उधमपुर यहाँ से उस तरफ नॉर्थ की तरफ यानी कि 20 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो मनवाल रोड पे दुद्धर नाला के पास, दुद्धर नाला है उस तरफ है, जो मैंने आपको ब्रिज शुरू में इस व्लॉग में बताया ना, उस ब्रिज के बिल्कुल साथ ही है ये। यहाँ से आपको हल्की सी चढ़ाई मिलेगी, ये चढ़ते हैं जी। सो मित्रों मैं यहाँ से आया, यहाँ से ये थोड़ी हल्की सी चढ़ाई है, उसके बाद सीधा टेम्पल होगा शायद। ओके दोस्तों, ये है जी मेन द्वार, शायद ऊपर सीसीटीवी कैमरा, अब कैमरा की निगरानी में है, इसको मैंने पार किया, फिर हम पहुँचने वाले हैं मंदिर परिसर। हल्की सी पौड़ियाँ दोस्तों, और फिर भी थोड़ा सा सांस चढ़ गया। ये है जी प्रवेश द्वार,
थोड़ी देर दोस्तों मैं इधर बैठना चाहता हूँ, फिर हम थोड़ा दूर करेंगे। तो मित्रों ये वो टेंपल है, इस द्वार से मैं यहाँ पर आया और फिर जब थोड़ा सा मैं चढ़ के आया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी रेस्ट की जाए, बच्चे थोड़े से वहाँ पर उस तरफ आए, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक महोदय हैं, सर आपका शुभ नाम? किशन दाते शर्मा है। ठीक है शर्मा जी, मैं यहाँ से जा रहा था उधमपुर की ओर, तो बोर्ड देखा मैंने कि यहाँ पर एक प्राचीन गुफा काली माता मंदिर, तो मैंने सोचा अभी काफ़ी समय है तो क्यों ना कि सड़क के किनारे तो आया जाए। तो शर्मा जी ज़रा चंद शब्दों में बताएं इस मंदिर का इतिहास क्या है, लोगों की मान्यता क्या है, क्यों यहाँ पर लोग आते हैं, क्या है इसका? नहीं, ये प्राचीन सदियों से प्राप्त मंदिर है, कोई स्कैंडल या कब से बना है। बाकी वो गुफा जो प्राचीन गुफा है ना, वो पिंडी रूप से माता रानी है वहाँ। अच्छा, और उधर मंदिर बनाने की जगह नहीं, उसके सामने ये मंदिर ये बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी बहुत मान्यता है माता रानी की, आप पढ़ार कृपा है जो भी भगता है। कोई स्टोरी है इसके पीछे क्या हुआ था? जैसे अभी मैं एक मंदिर में गया था, फिर आ गई ये बंदर, बड़ा शैतान है, खा गया था आपको। अच्छा पंडित जी, अच्छा हाँ जी हाँ जी, तो बच्चों आप ये कौन, दादू? हाँ। अच्छा अच्छा, आपका नाम? सांची शर्मा। सांची, आपका नाम? साध्वी शर्मा। साध्वी शर्मा, आपका नाम? सचिन शर्मा। लवी शर्मा। लवी शर्मा और सचिन शर्मा, तो इधर क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ। तो आप? यूकेजी। फोर्थ। सिक्स फोर, आप फोर्थ। फोर्थ। स्कूल सभी एक ही स्कूल में हो? नहीं, मैं होली डिवाइन और ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट, और आप? आप होली डिवाइन, ये भी गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ इस तरफ है स्कूल आपका, उस तरफ है? हमारा रोन बेल है। आपका रोन बेल है, आपका उस तरफ है। इस जगह का नाम क्या है प्रॉपर? गुडार। गुडार, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गांव का नाम गुडार। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा एरिया गुडार, पुल से इस तरफ गुडार पड़ता है ये। ओके ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे कुछ बच्चे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, शर्मा साहब थोड़े से अंदर गए हैं तो उनसे भी हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको कॉम्प्लेक्स बता देता हूँ। तो आइए पंडित जी, इधर बैठिए आप, आराम से बताइए ज़रा, थोड़ा आए हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं पीछे मंदिर में गया था जंदरा साइड, वो जो कैंप के अंदर मंदिर है ना, कैंप के अंदर नाभा मंदिर, नाभा मंदिर। तो वहाँ के जो पंडित थे वो राजस्थान से थे, उन्होंने जैसे हिस्ट्री बताई कि आज से कोई 100 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि जो माता का एक नाभि प्रकट हुई थी, और वहाँ पर क्या हुआ था फिर जैसे कुछ अजीब किस्म का होता ना, जैसे कुछ जल निकलता है उसमें से, तो फिर यहाँ के लोगों की मतलब यहाँ के जो वहाँ का जो गांव है खासकर उनका कुल देवी है वो। तो फिर कुछ और बातें बता रहे थे, तो मुझे याद नहीं है वो कब रिकॉर्ड कर रखा है। ऐसे ही कुछ खास मतलब जैसे देखो प्राचीन गुफा, तो इसका कुछ ना कुछ मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरा बताओ, लेकिन जैसे लोगों की मान्यता है कि एक बार यहाँ पर ऐसा हुआ था, वो चीज़ थोड़ा सा जी ना, जैसे बोले ना, जैसे प्राचीन सदियों से जब भगवान शंकर भोले बाबा ने हैं, जब वो जब अश्वमेध यज्ञ किया उनके ससुर जी ने, अच्छा अच्छा, तो उधर में तो शिव जी को नहीं बुलाया था उन्होंने, अच्छा शिव पार्वती को नहीं बुलाया ना, निमंत्रण दिया। अच्छा। सब पूरे देवता ब्रह्मा विष्णु ने सबको बुलाया, उन्होंने बुलाया तो पार्वती ने बोला जो मुझे नहीं बताया हमें क्यों नहीं बुलाया उन्हें, मैं जाती हूँ। तो भोले बाबा ने बोला नहीं, बिना बुलाए ऐसे कार्य में नहीं जाते हैं, वो जिद करके चली गई। उन्होंने सबको पूछा भाई हमारे बड़े पापा को क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नियंत्रण नहीं दिया। तो तब उन्होंने उस भी गुस्से में हो गया, जो हवन कुंड जो रहता उसमें अपनी वो जल समाधि ले दी, धोती दे दी उसमें। तब जो भगवान जी गुस्से हो गए, बोले बाबा उन्हें अपने गण को भेजा और उधर राजा को तहस नहस कर दिया, मतलब उनको यज्ञ को कर दिया। फिर वो उधर भी बोले बाबा आए, वो पार्वती माता को उठाया, पानी कहाँ चलते 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 पानी कहाँ पहुँच गए हैं, पर विष्णु भगवान ने सोचा जी पूरा सृष्टि का ही हो जाएगा, कर देंगे। फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से वो माता जी के जोड़ना वो अंग 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 वो कहीं पूरे भारत भारत में जहाँ कोई जीवा बड़े जहाँ चिंतपूर्णी बोल रहे हैं, जहाँ चेतापूर्णी जहाँ जहाँ पड़े ना उसी नाम जैसे नैना देवी है, तो वहाँ पर नैन गिरे, जहाँ पर चिंतपूर्णी है वहाँ पर वहाँ भी हो गया होता है कुछ ना कुछ होगा। हाँ कुछ होगा ऐसे ही, जहाँ जहाँ जैसे ये नाभा देवी है तो वहाँ पर उस नाभी गिरी, नाभी गिरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर क्या गिरा था? जहाँ भी पड़ गया था, जहाँ पर जितनी माता रानी की अपन हर कृपा ना, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ये इधर बात करेंगे, ऐसे माता से डायरेक्ट बात है। ओह अच्छा, इतनी मतलब जो हाथ से कहेंगे माता रानी ये कर दो,
मदद कर दी। इधर पुल से जाते थे हम गुफा को, ये रास्ता नहीं था, नाले से जाते थे। अच्छा, एक बार ये कोई भक्त जा रहे थे, लेडीज थी उधर, डेली मंगलवार को आती थी, उनको पानी ज्यादा हो गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ से रोने लगी, जो थोड़ा को 10 कदम और जाती थी आगे सीधे 200 फुट नीचे सीधी खाई थी। अच्छा, किसी ने उनको पता लगा ऐसे उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, इतनी माता रानी की कुछ ऐसा हुआ कि उनको लगा कि किसी ने उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, फिर माता रानी को बोला हाँ अब पुल बना दो माता रानी को ऐसा। तो तीसरे दिन माता रानी ने भक्त भेज दिया और बोला कहाँ से बनाना है पुल, ऐसी इतनी कृपा है अपना हर कृपा में हाथों हाथ सुनती है बात। शर्मा जी एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, पूरे वर्ष में खास कोई ऐसा दिन होता हो जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की मतलब भीड़ होती हो, खासकर नवरात्रों में तो होता है, नवरात्रों में होता है, तो होता ही होता है, लेकिन ऐसे कोई खास दिन? इसे हर महीने की 21 तारीख अच्छा अंग्रेजी महीने की 21 तारीख को जहाँ इसे माता जी की स्थापना की थी इस मंदिर में। ठीक ठीक, वो जो गुफा में है तो प्राचीन है, उसका कोई पता नहीं कब की है। ठीक है ठीक, इसे मंदिर में 21 तारीख को स्थापना की थी, आज से 10-15 साल पहले। ठीक है ठीक है, तब से जहाँ 21 तारीख को माता रानी ने इन्होंने रचाया भंडारा रचाया जाता है। अच्छा, बहुत बड़ा भंडारा होता है, सत्संग जागरणी होता है। ओ, अच्छा, हर महीने की सर उन भक्तों को जो नया आता है उसको बता देते हैं, भक्त त्रिवेण सबको बता है आ जाते हैं, और इधर से 2.5-3 क्विंटल चावल लगते हैं, इतना राशन लग जाता है, मतलब इतना माता रानी कृपा है, अपने आप बुला लेती है। जो बहुत शुक्रिया इतना माता रानी, तो हर मतलब आप बोल रहे हो हर महीने 21 तारीख को बहुत बड़ा विशाल भंडारा होता है यहाँ। तो क्या आप इनवाइट करना चाहते हो उधमपुर वासियों को भी? ना सबको पता, आप खुद आ जाते हैं शुरू शुरू में, जैसे मुझे नहीं पता नहीं आपको, जैसे नया कोई आता है ना उसको बता देते हैं, बाकी सबको त्रिवेण सबको पता है। तो दोस्तों जैसे पंडित जी ने कहा, मैं सिर्फ उधमपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम हो, हर महीने की 21 तारीख को यहाँ पर एक विशाल भंडारा जैसा हम बोल सकते हैं होता है, लंगर यहाँ पर दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि 21 तारीख को ही इस टेंपल की यहाँ पर जो माता का जो मूर्ति है ना, मूर्ति स्थापना यहाँ पर स्थापना की थी, और क्योंकि वो मूर्ति स्थापित हुई थी 21 तारीख को, इसलिए हर महीने की 21 को यहाँ पर भंडारा हुआ जाता है। जैसे पंडित जी ने कहा कि हालांकि सबको मालूम है, लेकिन अगर किसी को मालूम ना हो तो वो ज़रूर यहाँ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद शर्मा जी। अब हम चलेंगे इस तरफ, देखेंगे क्या है। वैसे शूज़ वहाँ पर खोलने हैं कि यहाँ पर खोल के जाए? नहीं उधर खोलने पड़ेंगे, उधर खोलते हैं। ठीक है, तो आपने हमें समय दिया, क्या आप चल रहे हैं साथ में यहाँ? अच्छा, ठीक है, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। चलो बच्चों, ओके। तो ये थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ मैं, वैसे अंदर कर ले। नहीं नहीं कोई बात नहीं, खोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे। तो दोस्तों ये वो टेम्पल है मेन जो पंडित जी बोल रहे थे, इस टेम्पल में आप आइए। पंडित जी रहने दो, खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखा देता हूँ मैं। तो ये वो नया स्थापित जो किया हुआ टेम्पल है, हालांकि जो हिस्टोरिक टेम्पल है प्राचीन वो अलग है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा मकसद वो था। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में, और ये बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं और पंडित जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो मेन जो मैं आपको बताना चाहता था प्राचीन गुफा, वो ज़रा देखते हैं कि वो कैसी है। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में, और उस तरफ जाने के लिए दोस्तों आपको रास्ता लेना पड़ेगा ये। तो पंडित जी ऐसे ही छोटा टेम्पल है ये शिव जी का? अच्छा, ये शिव का है। ठीक 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 ठीक, तो यहाँ से हम जाएंगे। तो इस नदी की आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी बाढ़ आ गई, बाढ़ बहुत बाढ़ आती है, और औरत जो थी वो बह रही थी, और उस औरत को बाद में ऐसा लगा कि जैसे उसको उठा के किसी ने बाहर फेंक दिया। ओके, माता रानी अपने भक्तों को थोड़े गुस्से होने देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस छोटे से नाल, इस छोटे से नाल का कुछ नाम और स्टोरी और भी है। हाँ जी जी, सुनाइए। इस बड़े मंदिर बनाने पे ना, हम जो लोकल हैं जहाँ, हमने तो जितनी फुर्सत उतना बड़ा था, छोटा सा मंदिर बनाया था, छोटा नहीं इसके आधे इतना बनाया था। अच्छा, तो उसमें स्थापना नहीं की थी, अभी स्थापना करनी थी। तो तब से जब माता जी ने कहा नहीं, अब बड़ा उपकार करना है, अपने भक्तों का उद्धार करना है, फिर माध्यम तन मन धन, जैसे कोई भी काम कार्य करना होता है तन मन धन चाहिए। तो तन मन था, तो माता रानी ने कोई धन वाला ले आया, उसकी भी कोई परेशानी थी, माता रानी आप घुमा के अपने स्थान पर बुला के प्रकट हो गए, कंजक रूप में प्रकट हो गए, उससे बातें हुई, उसको कहा चल तू सच्चा है, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी, पर कुछ ऐसा मेरे मंदिर का नाम लगाना। फिर माता कृपा, ये बड़े भी उन्होंने उनकी समस्या हल हो गई। अच्छा अच्छा, ये बड़े मंदिर का निर्माण कार्य उन्होंने कराया, सिर्फ उन्होंने। तो कहाँ से थे सज्जन वो? उधमपुर से है, उधमपुर से ही। अच्छा अच्छा, उनका नाम जानते हैं आप? नाम है उनको, नाम गुप्ती रखेंगे। चलो ठीक है ठीक है, फिर भी धन्यवाद। तो मैंने पंडित जी ये पूछा था इस नाले का कुछ नाम, इसका नाले का नाम था जो बहुत दूर से बग्गे माता से आता है ऊपर। अच्छा, बग्गे माता से आता है, लेकिन ऐसा कुछ नाम नहीं है सर नाले का? नाम ऐसे नहीं, लेकिन ये जो है साथ में, ये तवी है कि दुधर है? दुधर है, दुधर है ये। राइट राइट राइट, ओके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और पंडित जी भी हमारे साथ हैं, और यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएंगे। तो पंडित जी यहाँ पर लोगों की रिहाइश भी है?
अच्छा, इस तरफ ये रिहायश पे लोगों के ना? नहीं, उस तरफ है। तो ये मंदिर के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ मंदिर कॉम्प्लेक्स है। तो ये कोई दुकान है क्या है? नहीं नहीं, ऐसा खुका बनाया कोई बैठने के लिए। अच्छा, और ये माता जी को इधर सत्संग होता है। अच्छा अच्छा, लंगर भी होता है, सत्संग भी, उसमें तंगी पड़ जाती है। हाँ, अभी इधर सत्संग के लिए अलग बना रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ओके, अभी ढांचा बनाया है, इसको फर्श फूल डालेंगे, तैयार करेंगे। ओके ओके, तो फिर जो लंगर की सेवा है वो यहाँ पर? नहीं, लंगरों सामने, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सत्संग भवन, सत्संग भवन, सत्संग भवन जहाँ कीर्तन होगा। ठीक ठीक, लंगर के सामने इधर से आ जाएगा। तो यहाँ से कोई छड़ी छुड़ी भी जाती है आपकी? छड़ी जाते हैं हमारे, कोई ऐसे ही जाते हैं, अभी ना कोई ज़्यादा संग के नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, छड़ी जाते हैं, मचेल मचेल माता जी का मंदिर है, पार्डर में भी जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितनी यहाँ पर हो जाती है संगत जो छड़ी जाती है यहाँ से? जो उधर से थोड़े ही जाते हैं, बाकी अलग अलग चले जाते हैं ना। ठीक 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 ठीक, ये रास्ता बनाया गुफा के जाने। तो ये रास्ता भी जिन्होंने पुल बनवाया उन्होंने बनवाया? हाँ जी हाँ जी। नहीं, बाकी फिर चलता रहा ना। अच्छा, धीरे धीरे फिर चलता रहा, चलता है। जो पैसे माता रानी को देती हैं, 10 रुपये आते हैं, इधर इधर इकट्ठा करके भंडारे में लगाते हैं। ठीक, जो भंडारे से बच जाते हैं, इधर लगाने को वक्त सहयोग कर देते हैं, बस इसे डेवलपमेंट में लगा देते हैं। ये माता रानी करती है, सब कुछ इनका ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंसान कुछ नहीं करता है। तो पंडित जी, जैसे आपने कहा 21 तारीख को यहाँ पर होता है, तो कितनी भीड़, मतलब कितना रश लग जाता है? जैसे आपने कहा क्वांटल, कभी शादी शुदी हो ना लोगों के घर में, थोड़ा डेढ़ क्वांटल लग जाता है, और कोई शादी शुदी नहीं है कहीं, जिस महीने शादी नहीं होती है, दो ढाई क्वांटल लग जाते हैं। ठीक 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 ठीक। तो मित्रों, ये है उस गुफा की तरफ जाने का रास्ता, यहाँ पर शायद ये जूते खोलने की है ना, यहाँ पर खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जूते खोलता हूँ, देन फिर हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। तो पंडित जी चलिए आप आगे। तो ये नीचे की तरफ ये जो नाला है इसको बोलते हैं जी दुद्धर नाला, और ये जो छोटी सी नाला जैसा आ रहा है, क्या बोला, बागी माता, बग्गे माता से होता है, बग्गे माता से। तो ये बग्गे माता कहाँ पर है? इधर से कोई 3 किलोमीटर ऊपर है, पहाड़ी पर। पहाड़ी पर, लेकिन वहाँ पर जाना पैदल ही है? नहीं, अभी थोड़ा रोड बन गया, आधा तक गाड़ी चली जाती है। अच्छा, आधा फिर भी पैदल ही है। अच्छा अच्छा, कितना पैदल होगा? कोई 9 जोड़ होगा तो कई घंटे में चले जाते हैं, बाकी नहीं ना ज़्यादा भी लग सकता है समय। अच्छा, मतलब दूर है। हाँ, ये नाला इधर से सीधा जाना है। अच्छा, यहाँ ठीक, राइट राइट राइट। जब पुल नहीं बना था ना, इधर से आते थे। अच्छा, ये रास्ता, ये रास्ता था। अच्छा, इधर की जो बाहर पानी आ गया ना, वो रुकने लगी, इधर जाती नीचे, तो फिर यहाँ से उसको साइड पे फेंका, किसी ने उसको पता नहीं लगा, राइट, वो ऐसे रुकने लगी, इधर से ही इसने बाहर ऐसे फेंक दिया। ठीक ठीक, ये माता रानी कृपा है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये पुल बना है। तो ये दोस्तों वो टेम्पल है जो नया कंस्ट्रक्टेड है, जिसके साथ ये ब्रिज है और ये वो नाला है, इसके साथ ये ब्यूटीफुल से झरना है, उसकी व्यू पता नहीं यहाँ से आएगा कि नहीं, लेकिन प्राचीन गुफा जो है वो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से इसकी एंट्री होगी दोस्तों, और सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासादिके शरण्यतीङ्कते गौरी नारायणी नमो नमस्तुते ॐ जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवादात्री त्वा सदा नमस्तुते। जय माता। ये माता जी का संग्रह में बात है। ठीक है, ये होता है ना जो संग्रह में बात जी, वो है गुफा जी पिंडी इधर है। अच्छा, पिंडी ऊपर है। ये 3 पिंडी बनी है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। दोस्तों मैं थोड़ा सा लाइट करके आपको बताता हूँ यहाँ पे। जी पंडित जी बताइए। ये 3 पिंडी रूप में है माता जी, ये प्राज नेचुरल ये बनी है, अपनी नेचुरल बनी है। देखो ऊपर वो शेर का मुँह बना है नीचे, ये निजाम के सामने, सामने पानी से शेर का मुंह बना है, और लास्ट में गणेश जी का सूंड बना पूरा। ये मतलब नेचुरल पुराना स्थान है। ओके, सो मेन जो गुफा है वो ये है? हाँ, मेन पिंडी। ओके, सो पंडित जी जरा इसके बारे में बताएं।
ये जो यहाँ पर स्थापना हुई चुके हैं ये कुछ देवता ये प्राचीन सदियों से ज्यादा है। अच्छा 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 ये पिंजरों में बाकी कंस्ट्रक्शन बाद में किया है। हाँ हाँ थोड़ा काम बाकी ये प्राचीन सदियों से। ओके 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 माता रानी का स्थान है ये। सो दोस्तों ये है वो मेन टेंपल का जो स्थान यानी कि प्राचीन गुफा। गुफा दरअसल वो है ना आपकी ये की पूरी की पूरी को गुफा कह सकते हैं। ये गुफा ही कहते हैं जी अंदर। अच्छा 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 तो ये दोस्तों पूरा का पूरा ये जो गुफा है और खासकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है ना ये नेचुरल होती है, ये किसी के द्वारा बनाई गई नहीं होती। आप देख सकते हो इसकी जो बनावट है वो अद्भुत है और देखो ये पत्थर अपने आप पहाड़ी अपने आप राइट राइट चिपके हुए हैं। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था और मेन जो पिंडिया जी जो पंडित जी ने बताई दोस्तों वो आपने देख ली। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों अगर आप कभी भी मैं आपको फिर से बताता हूँ पंडित जी गाँव का नाम क्या है। दुधन नाला से मतलब जब आप उधमपुर की तरफ जाओगे या उधमपुर से मनवाल की तरफ जाओगे से 15 किलोमीटर धुनवार रोड में और बिल्कुल ये ब्रिज के साथ है। आपको कोई ज़्यादा पैदल चलने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस टेंपल में ज़रूर विजिट करें। सो पंडित जी जैसे किसी ने विजिट करना हो मैं तो ऐसे ऐसे ही आ गया लेकिन किस समय पर आप लोगों को ज़्यादातर उत्साहित करेंगे कि इस खास समय पर आए तो मतलब थोड़ी ज़्यादा रौनक होगी। मंगलवार को आए हर मंगलवार को थोड़ा प्रसाद बनाया होता है जी 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 दाल चावल वगैरह कद्दू खट्टा हलवा वगैरह बनाया होता है हर मंगलवार और उसमें आज भक्तों को प्रसाद भी मिल सकता है और उसके अलावा नहीं तो 21 को हर महीने आप आ सकते हैं। 21 तारीख बाहर कोई भी आए 21 तारीख। सो जैसे मित्र पंडित जी ने बताया कि वैसे तो अगर आप कभी भी आ सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे मान लो कि मंगलवार का दिन हो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आए थोड़ी रौनकें मिलेंगी और अगर आप 21 तारीख को मान लो इस रोड से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली जरूर आए। ऐसे तो आप कभी भी आ सकते हो उस दिन तो मतलब समझो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है आप यहाँ पर लोगों से मिल सकते हो मिलकर आप यहाँ पर देवी माँ के दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये है वो प्राचीन गुफा उधमपुर से जैसे पंडित जी ने कहा बिल्कुल नज़दीक में है 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो बने रहे इस व्लॉग में दोस्तों और भी ज़्यादा हम खुद भी है। अच्छा इसके साथ में अच्छा वो बुजुर्गों ने बंद कर दी है। अच्छा उसकी वजह उसकी वजह ये थी कोई प्राचीन सदियों से बोलते कोई बकरियों को झुंड किया था अंदर वो वापस नहीं आया पर कितनी गहरी है अंदर कहाँ जाती है कहाँ। अच्छा वो वापस नहीं आया वापस नहीं आया तो उसकी वजह से उसकी वजह से बुजुर्गों ने 15-20 फुट रखी है खुली आगे से पत्थर लगा के बंद कर दी। तो मतलब इसी पहाड़ में अंदर को अंदर अंदर जाती है वो पहाड़ कहाँ जाती है कहाँ नहीं है। तो पंडित जी ज़्यादा ना बोलते हुए आखिरी शब्दों में आप संपन्न करें क्या कहना चाहते हैं आप इस टेम्पल के बारे में या कुछ और लोगों को उत्साहित करने के लिए। लोगों जी दर्शन आए भक्त माता माता रानी के दर्शन करें और कृपा के धागी भागीदारी बने जहाँ माता रानी की बहुत अपना कृपा है जो भी आता है कोई मन्नत मांगता है अपनी तो माता रानी पूरी कर देती है उनको ऐसे कोई बहुत कृपा है माता रानी। चलो पंडित हर कृपा उस तरफ चलते हैं फिर आपसे बात करेंगे। सो दोस्तों पंडित जी बता रहे थे यहाँ पर एक गुफा भी है आपने हालांकि इनकी कहानी में सुना और यहाँ पर वो गुफा में क्या हुआ कि एक बार कुछ माल मवेशी अंदर गए बकरियाँ वगैरह वापस नहीं आई और इनके बुजुर्गों ने उस गुफा को बंद कर दिया। पंडित जी सेम ऐसी स्टोरी ना मुझे एक पंडित जी ने सुनाई थी जी बताती है ना वहाँ पर एक काली माता का मंदिर है अगर आप कभी गए होंगे जैसे जी बताती आश्रम है आश्रम से अंदर की तरफ जाता है रास्ता बिल्कुल पहाड़ के नीचे है वो फौजी एरिया में है। उन्होंने भी बताया था कि वहाँ पर ऐसी पिंडी नहीं है वैसे लेकिन ऐसे मंदिर बनाया हुआ लेकिन उन्होंने बोला यहाँ पर एक गुफा है उस गुफा में आपने तो बकरी बोला ना उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ लोग देखने गए थे एक बार। अच्छा कि भाई गुफा तो है यहाँ पे लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर है क्या तो वो गए लेकिन वापस नहीं आए। तो उसके बाद फिर लोगों ने क्या किया कि हालांकि वो गुफा थोड़ी सी खुली है अच्छा। लेकिन वहाँ पर मनाया जाना और बिल्कुल ऐसी नदी जैसे ये नदी है ना ऐसी नदी है सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पर जैसे हमारी डोगरी में बोलते हैं ना कोरजू पानी वहाँ पर कोरजू पानी है और मतलब काफ़ी अच्छा जल का स्रोत वहाँ पर पाया जाता है। सो वेल दोस्तों ये थे हमारे सर एक बार फिर से अपना पूरा नाम बताना कृष्ण दत्त शर्मा ये थे हमारे कृष्ण दत्त शर्मा जी और ये हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे ये सब इनके नाम तो आप जानते ही हो। सो दोस्तों कभी भी आप उधमपुर साइड जैसे मैंने आपको बताया जा रहे हो या वहाँ से आ रहे हो बिल्कुल नदी के किनारे ये टेम्पल है क्या क्या यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं वो भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। सो दोस्तों ये वो टेम्पल एक बार फिर से बताता हूँ यहाँ पर हवन कुंड वगैरह भी होते हैं ना। सो पंडित जी शादी वगैरह भी करवाते हैं यहाँ पर जैसे कई लोग मंदिर में शादी करते हैं कोई किसी करने में मना तो दिया कुछ जो आज माता के दरबार में करेंगे वो कर देते हैं शादी। अच्छा 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 तो थैंक यू पंडित जी आपने अपना कीमती समय दिया इसके अलावा उस तरह भी कुछ है मंदिर लंगर के लिए बनाया। अच्छा वो लंगर के लिए अच्छा ओके दोस्तों तो थोड़ी देर और बने रहें और पंडित जी हमको बताएंगे उस तरफ जो इन्होंने लंगर के लिए कुछ स्थान बनाया है लेकिन मंदिर का परिसर काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर ये
पानी की टंकी भी है जी, पानी की टंकी है, पीने योग्य पानी। ये क्या है? नींबू। इतना बड़ा? अच्छा। ये लंगर बनाने के लिए है। अच्छा, ये रसोई घर है। रसोई बनाने के लिए। ठीक ठीक ठीक। जो खुशी हो कोई तो परेशानी होगी, ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कमरे का। ठीक ठीक। ओके, तो ये है जी इनकी रसोई। ये रसोई है, यहाँ पर जो भी भोजन है, भोजन वस्तु तैयार की जाती है, और उसके पश्चात फिर यहाँ पर वो जो भोजन वस्तु तैयार करके लोगों को यहाँ पर लंगर जो है वो लगाया जाता है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। नलका लगा, पानी लगा है, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, इंतज़ाम काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल गर्मी के मौसम में आपको बिल्कुल भी गर्म पानी के साथ, गर्मी से जा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जागरण वगैरह भी होता है यहाँ पे पंडित जी? जागरण होता है हर 21 तारीख को। अच्छा, हर 21 तारीख दिन में ही। अच्छा, दिन दिन में, दिन दिन में। तो भजन मंडली आपकी होती है कि कोई मंगवाते हो? नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। मंगवाते हैं हर महीने? अच्छी बात, अच्छी बात है। सो दोस्तों, ये है सारा मंदिर का परिसर, और मेरे ख्याल में जो लोगों की रिहाइश है वो किस तरह बताया पंडित जी आपने? सामने से। अच्छा, ये तो रास्ता ये है ना? रास्ता में। अच्छा, ये है। ओके, रोड भी जाता है, रोड पीछे से है। ओ अच्छा, वो पीछे क्रशर के पास से ऊपर रोड जाता है। हाँ, देखा मैंने उधर। हाँ, वैसे वो बड़ा सा बलवंत सिंह जी का एक बोर्ड लगा हुआ है, पर रोड में कम ही लोग जाते हैं, ज्यादा इसी से जाते हैं। ठीक ठीक, ये सामने पूरा गांव, बहुत गांव है इधर। ऑलराइट दोस्तों, तो ये आपको दिखाना चाहता था। धन्यवाद पंडित जी, चलता हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे अभी आगे जाना है। अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय। सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? अच्छा पंडित जी, फिर लगाऊंगा चक्कर में, कभी किसको यहाँ कभी हुआ तो ऐसा कुछ। ठीक है, ओके बेटी, बाय बाय। मौका लगा ना? जरूर 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 सर। किस तरह आना? पक्का पक्का। उस समय थोड़ा सा क्या होगा कि लोगों का जमावड़ा होगा, रोड के होगा, उसका सीनरी बन जाएगा। जी 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 जी। बाकी और बाकी आपने जो कुलदेवी के आए भक्त आए होते हैं, राइट राइट राइट, भी लाभ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा उनकी स्टोरी सुनेंगे, कैसे क्या उनकी श्रद्धा है ना। एक स्टोरी और भी है, बताएं बताएं। बुजुर्ग बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं, जैसे सामने है ना, जो ये पहाड़ी पहाड़, ये इसके सामने ये प्लेन दब्बड़ है। अच्छा, जहाँ कोई पहले कोई हल जो होते थे, कोई अपना वो बड़का हमारा कोई होगा, जो वो हल जो होते थे उसको रोज आवाजें आती थी, किसने कहा मैं आवा मिलो तो क्यों, किसी कोई सियाने को किसी बुजुर्गों को पूछा उन्होंने, भाई ऐसे आवाजें आती हैं रोज़। उसने कहा भाई ठीक है, तुम एक बकरी ले जाना साथ में, और एक दराती रखना का साथ में, और कोई वो बाज लगाएगा, एक एक बाज, दो बाज, तीसरी बाज लगाया तो बोलना आ जा, आएगा तुमने उसका थोड़ा कान को थोड़ा खींच के ना उसका टिक्का लगा देना, बकरी को टिक्का लगा देना, ऊपर जाओ फिर आओगे आप। ओके, टिक्का लगा देना। जब वो ब्राड रूप में आए ना, बताते हैं ब्राड रूप में आए, मैं देखना उसको है हो गया, मतलब वो कुछ नहीं कर पाया, ना दराटी भी आज हाथ में रही और वो कुछ ना। उसके साथ वो बताते हैं जो दो लोग बैल थे, वो हल जूंगा जो भी उसके साथ, सिर्फ जल के वो सीधे जहाँ मंदिर के नीचे झरना ना, झरने के नीचे एक उधर चट्टान में खुआ जैसा है, जहाँ पानी गिरता ना खुआ जैसा है, खुआ में उसी में समा गया सब सब कुछ। फिर उधर ने देखा भाई किसी ऐसे उनको निकालेंगे, जहाँ कुछ करें देखेंगे, उसने 22 बांस बांध बांध के उधर नीचे रखे थे, पर उधर एंड नहीं हुआ, मतलब पहाड़ बिल्कुल चट्टान पर। अच्छा, उसका सरफेस ही नहीं है। हाँ, नहीं नीचे होगा तो होगा, पर मैंने कितना गहरा 22 बांध हो गया, एक बैंस भी 30 फुट लंबाई रखो तो कितना हो गया, 22 बांधे उन्होंने, फिर उन्होंने छोड़ दिया भाई। नहीं अच्छा, मिले नहीं दिया, मिले नहीं। अभी भी वो कुआं है इधर। अच्छा, वो पानी कभी नहीं सूखता है, अगर नाला पानी सूख जाएगा ना गर्मियों में तो वो उधर नहीं सूखता है, पर वो उसको देख नहीं सकते आप। अच्छा, इधर इतना इतना काला और गहरा पानी है ना, डरावना है, थोड़ा डरावना है, देखोगे तो नजर घबरा जाती है। समझ गया समझ गया। वो उधर भी वो। अच्छा, वो बिल्कुल झरने के नीचे? झरने के बिल्कुल नीचे है। ओके, ओके, ओके। बिल्कुल पत्थर चट्टान है, चट्टान के बीच में है। अच्छा, वो अभी भी है। और मतलब इधर नाग देवता, काली माता, काली नाग देवता, काली नाग ने जगह का नाम ये आज का नहीं पड़ा है, प्राचीन सदियों से चलता तो वो नाग है। कहाँ नाग? उधर एक बार अभी को 10-15 साल पहले बात है, उधर दर्शन दिए थे, पूरा गाँव आया देखने आया था, उन्हें 5 मुंडी वाले थे और कोई कम से कम इतने मोटे थे, कोई 1500-1516 फुट थे, करीब करीब लंबे थे। अच्छा, उधर दिखे पूरा दिन वो पत्थर पर बैठे और ऐसे मुंडी ऊपर करके पूरा दिन वो दर्शन दिए। अच्छा, तो वो सब गांव वालों को, सब गांव उन्होंने देखे, दर्शन किए।
अभी देते होंगे वन को कहीं पर एक दिन हमने सबने देखे दर्शन किए। चलो पंडित जी अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे इजाजत दीजिए लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे जब खुशी यहाँ पर होंगे। धन्यवाद, बैठो चाय पी। नहीं धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद, मुझे अभी निकलना है। सो दोस्तों ये था गांव, कौन सा? गुढ़ार गांव है और दुधर नाला के बिल्कुल साथ है। और ये जो रोड अपना जाता है मनवाल की ओर, उस रोड के साथ ही बिल्कुल रेलवे फ्लाई ओवर जो ब्रिज है बिल्कुल उसके सामने ये जगह है। जरूर दोस्तों यहाँ पर आइए। तो मेरे साथ बने रहें दोस्तों, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगा जब मैं इस रोड को क्रॉस करते हुए उस पुल के पास जाऊंगा, वहाँ पर एक बड़ी अच्छी जगह। ओके दोस्तों, मैं जस्ट अभी आ गया हूँ टेम्पल से और पंडित जी मिल गए। चलो अच्छी बात हुई कि कम से कम उनसे बात हुई, थोड़ी जानकारी मिल गई कि कैसे क्या है। और ये देखिए भाई साहब चट्टाने, यहाँ इस प्रकार का यहाँ पर चट्टानों का सिलसिला है। सो दोस्तों जैसे मैंने आपसे वादा किया था एक जगह मैं आपको और बताऊँगा। तो रोड क्रॉस करके जब मैं रोड पे नीचे पहुंचता हूं तब आपसे बात करता हूं, तब तक मैं ये सीढ़ी उतरता हूं। ओके दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं ये सड़क के किनारे। सामने की तरफ ये जो फ्लाईओवर है यहां से ट्रेन गुजरती है। और मैं जो आपको बता रहा था ना शुरू में कि इस मतलब यहां हम इस रोड से जाएंगे और जो ब्रिज है ना इसके ऊपर एक छोटी सी जगह है, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा व्यू आपको मैं यहाँ का दिखाना चाहता हूँ। और ट्रेन तो खैर क्या पता अभी कोई आएगी कि नहीं, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे मतलब इस तरफ से हम पार करके उस तरफ जाएंगे, वहाँ का हल्का सा व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पर आप थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके बैठ सकते हो, वहाँ पर शट जैसा भी बनाया हुआ है, हालांकि इतना डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग अगर कभी यहाँ पर आएँ तो ज़रूर वहाँ पर बैठें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, क्योंकि वहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह मिल जाएगी। तो चलो थोड़ी सी प्रमोशन कर देता हूँ उस जगह की। तो दोस्तों ये वो पहाड़ है जिसको हम चढ़ेंगे ऊपर, और इस ब्रिज का बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक जो हिस्सा है वो आपको दिखाऊंगा, बने रहे समय का दिखा। सो दोस्तों मैं जिस जगह की बात कर रहा था ना वो ये है, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आता है ट्रेन का, अंदर जाकर कहीं ना कहीं से इसका व्यू अच्छा आता होगा, लेकिन ये जंगल जैसा है तो मैं इतना ज़्यादा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ से खड़े होकर जैसे आप जैसे ट्रेन आती है तो आप रील बना सकते हो यहाँ से, अपना कैमरा अगर आपके पास अच्छा DSLR है या इवन आईफोन है, इवन सैमसंग का अगर बढ़िया फ़ोन है, यानी कि किसी भी कंपनी का जिसका जूम अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से जूम करके भी आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब है, कर सकते हो। और इसको बोलते हैं जी टाली मोड़ मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पर एक बोर्ड सा लगा हुआ है और वहाँ पर टेम्प्रेरी तरीके से लिखा हुआ है टाली मोड़। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों इस जगह की। ये देखिए आप यहाँ पर ये जो शेड सा बनाया गया है ना, ये यहाँ पर इसलिए बनाया गया होगा ताकि लोग यहाँ पर आएँ और बैठें। और यहाँ पर आप देखो कितनी अच्छी जगह है गाड़ी पार्क करने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस जगह को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाएगा ना, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए अच्छा स्पॉट बन सकता है। ये चीज़ हमें, मैं सोचता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को सोचनी चाहिए, अदरवाइज़ ये शेड बनाने का मकसद क्या था आई डोंट नो। देखिए जैसे कितना प्यारा सा बनाया हुआ है और यहाँ पर बैठने की जगह भी बनाई हुई है। इस छोटे से एरिया को अगर आपने मतलब टूरिस्ट के लिए बनाया गया है तो थोड़ा सा इसको क्लियर करके, जैसे यहाँ पर छोटा मोटा कुछ बिज़नेस छोटे मोटे लोगों के लिए जैसे लगा दिया जाए, जो लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं इस तरफ, थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करें, मतलब छोटी सी जगह पे कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर देखो ये भी तो बनाया ना, लेकिन यहाँ की हालत में तो आपको बताना चाहता हूँ देखो कैसी है। यहाँ पर ये मेरे ख्याल में माल मवेशी यहाँ पर बैठते होंगे धूप के दौरान या बारिश के दौरान। और फिर होता क्या है कि यहीं पर मतलब जो भी है गोबर वगैरह करते हैं ये कुछ लोगों ने, देखो यहाँ पर मद्यपान करके यहाँ पर बॉटल्स फेंकी हुई हैं, पत्थर यहाँ पर हैं, कोई यानी कि यहाँ पर सिस्टम मुझे लग नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा एरिया मैं काफ़ी बार जब यहाँ से गुजरा हूँ, तो आपने भी दोस्तों जब आप गुजरे होंगे यहाँ से, कौन कौन इस एरिया को यहाँ से गुजरा और उसने सोचा कि यार ये एक अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है, खासकर जो उधमपुर वाले मेरे लोग हैं, या उधमपुर वाले नए भी हों कहीं से भी हों, लेकिन जो इस जगह से गुजरे हैं और उन्होंने सोचा कि कभी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर बनाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखो जगह काफ़ी अच्छी है। लेकिन क्या पता ये गवर्नमेंट कुछ और सोच रही होगी, इसके विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं ज़्यादा, लेकिन ऐसा मेरा अंदाज़ा था कि इस जगह को मैं कवर करूँ। हालांकि मैंने कोई अलग सा व्लॉग नहीं बनाया इसका, क्योंकि वो कालीमाता जो नाग टेम्पल था प्राचीन गुफा, वहाँ से मैं सोच रहा था कि आपको बताऊँ। तो ये है जी वो रोड जो मनवाल उधमपुर को जोड़ता है, और यहीं से जो ब्रिज मैं आपको बताना चाहता था रेलवे का, काश यहाँ से ट्रेन गुजरती तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता, लेकिन फ़िलहाल ट्रेन जो है वो यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही। हम बिल्कुल वो पार थे, यहाँ से वो टेंपल दिखता नहीं है, माफ़ कीजिए वो है टेंपल। और ये है जी यहाँ का नज़ारा, और उधमपुर यहाँ से
15 से 20 किलोमीटर है इस तरफ। सो फिलहाल दोस्तों आज का ये जो व्लॉग है इतना ही, और एक बार फिर से गुजारिश करूंगा दोस्तों, खासकर मेरे उधमपुर वाले दोस्त जड़े दिखा देन, महाराज अपने भरा की सपोर्ट करी ओड़ो, नाले च कोई पैसा धेला तो लगना नहीं है कि जे अगर तुम तो सपोर्ट करके जनाब तो होर अगर बढ़ी सकना, तो अपने खासकर जम्मू डिवीजन के खासकर जेडे भी मतलब मेरे इलाके ने जेडे पिछड़े इन द सेंस के मतलब जेडे हाल लोगों की नज़र च नहीं आए, मेरा इयै मकसद है कि आ उन्हें एक्सप्लोर करा ते लोग मते कोला मते इत्थे आउन। फिलहाल ज़्यादा नहीं बोलते हुए दोस्तों मैं ये गुजारिश करगा, चैनल च नए हो तो सबसक्राइब करो दोस्तों, और अपने भरा की सपोर्ट करिए मेरी हौसला अफजाई करो, जिदे कने तां जे आऊं और भी नए नए कंटेंट बना। दोबारा मिलूंगा दोस्तों फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत, तो स्वस्थ रहो सुखी रहो।